देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के LNJP अस्पताल से आ रही है, जहां कल देश की राजधानी दिल्ली में 12 संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन करके उनके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए थे। वहीं इन सैंपल्स के आने के बाद 11 मरीजों में सामान्य कोरोना पाया गया, लेकिन एक मरीज में ओमिक्रॉन वायरस की पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है, जिसकी जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने की है, जिसके बाद मरीज को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। जहां बेंगलोर, मुंबई और गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन के एक एक मामले मिले थे, वहीं अब राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दे दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई रिस्क वाले देशों से आए कई यात्रियों में से एक यात्री में ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, जिसकी जानकारी भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है, जिसके बाद संक्रमित मरीज को दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से ही हड़कंप मच चुका है। आपको बता दें कि संक्रमित व्यक्ति अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था। इस शख्स से जुड़े 6 लोगों के सैंपल का भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराया गया था। इसी के साथ भारत में अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 मरीज हो चुके हैं। इनमें से 2 कर्नाटक, 1 गुजरात और 1 महाराष्ट्र से है। इसके बाद अब 5वां मरीज दिल्ली से मिला है, जिसके बाद अब देश में दोबारा से महामारी की स्थिति पैदा होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन वायरस कोरोना के डेल्टा वायरस से भी 5 गुना तेजी से फैल रहा है। तो वहीं अब देखना होगा कि वायरस अभी और कितने राज्यों में अपनी दस्तक देगा और भारत सरकार इसको लेकर क्या कड़े कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और ट्रेंडिंग खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।